दुनिया जब कोरोना के कोहराम से हलकान है, ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। यहाँ सवाल उठ रहा है कि अमेरिका क्या वाकई में विश्व स्वास्थ्य संगठन का फंड रोक सकता है? अगर ऐसा होता भी है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की सेहत पर इसका कितना असर पड़ेगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब अमेरिका ने ट्रैवल पर बैन लगाया था तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी आलोचना की थी। उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर बहुत सारी गलतियां की। उन्हें और पहले इस बीमारी के बारे में चेतावनी जारी करनी चाहिए थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना के मामले में चीन परस्त रवैया अपना रहा है। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि अमेरिका WHO को सबसे ज्यादा फंड देता है और आने वाले समय में हम इस फंड पर रोक लगाने जा रहे हैं। इतना कहना ही था कि दुनिया भर में खलबली मच गई। खुद WHO को सामने आना पड़ा और जवाब भी देना पड़ा। जिनेवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम गेब्रियसिस ने कहा कि कोरोना वायरस का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी लेकर कहा कि फंड रोकने जैसा काम न किया जाए। आपको बता दें कि अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जो WHO को सबसे ज्यादा फंड देता है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन फंड के मामले में अमेरिका पर काफी हद तक निर्भर है। हालांकि पिछले कुछ सालों में चीन ने WHO में अपनी फंडिंग बढ़ाई है। साल 2014 से लेकर 2018 तक चीन के फंड में 52% का उछाल आया है। यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को WHO और चाइना के बीच कुछ गड़बड़ लगने लगी है। फंडिंग के अलावा अमेरिकी विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का सदस्य भी है। इसके अलावा अमेरिका अपने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का भी सक्रिय सदस्य है, जो दूसरे देशों में अपने लोगों को किसी भी स्वास्थ्य मसलों पर या आपदा की स्थिति में काम करने के लिए भेजता है। अब इन हालातों में अमेरिका का WHO को आंख दिखाना सारी हकीकत बयान कर रहा है, क्योंकि यह सीधा सीधा दबाव की राजनीति ही मानी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में 34 सदस्य देश हैं, जिसमें अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप जैसे महाद्वीप के कई देश शामिल हैं, लेकिन हमारा देश भारत उसमें नहीं है। जय भीम टीवी के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट।